हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा सारयां दा पंजाबी दी ऑनलाइन जमात दे विच। मैं हां तुहाडी पंजाबी दी अध्यापका सोनिका शर्मा। अज आपां पढ़ांगे पाठ 11 मेरे निशाने। एक कविता है अते इस दे कवि दा नां है दर्शन सिंह अवारा। जिस तरह की कविता दे नां तों ही पता लगदा है मेरे निशाने के मतलब मेरी मंजिल, मेरा एम जिंदगी दे विच की है। चलो आपा सारे मिलके पन्ना नंबर 63 दे उपर ए कविता नू पढ़ी। मैं भारत दी शान बनांगा, भावे अज हां छोटा बच्चा पर मैं कदे महान बनांगा। मैं भारत दी शान बनांगा, तां कवि एक बच्चे दे रूप विच कह रहा है कि मैं भारत देश दी शान बनांगा। भावे अज मैं बहुत छोटा बच्चा हाँ पर मैं जिंदगी दे विच महान दा अर्थ है बच्चो वड्डा। तुसी अपनी किताब दे उपर इसनू लिख सकते हो महान दा अर्थ वड्डा। मैं जिंदगी दे विच वड्डा बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं अपने भारत देश दी शान बनांगा ताकि मेरे देश नू मेरे उपर फखर होवे। करके मन दे नाल पढ़ाई, उच्ची उच्ची विद्या पाके, पूरी भरवी मेहनत करके, सूझ वधा के ज्ञान वधा के। करके मन दे नाल पढ़ाई, मन मतलब अपने पूरी मेहनत दे नाल लगन दे नाल पढ़ाई करके, उच्ची उच्ची विद्या पाके। विद्या मतलब के पढ़ाई ज्ञान, ता मैं बहुत लगन दे नाल पढ़ाई करके बहुत उच्ची उच्ची मतलब के बहुत ज्यादा जिहड़ी है विद्या प्राप्त करांगा। पूरी भरवी मेहनत करके, भरवी दा अर्थ है बच्चो रजवी, बहुत ज्यादा मेहनत करके, सूझ वधा के ज्ञान वधा के, अपनी सूझ मतलब अपनी अकल नू वधा के, अपने ज्ञान नू वधा के मैं चंगा विद्वान बनांगा। विद्वान दा अर्थ ओ हुंदा है ओ इंसान जिसने की विद्या पढ़ी होवे। विद्वान है जिहड़ा ओ दो शब्दां तो मिलके बनिया है विद्वान। ता मैं बहुत ही चंगा विद्वान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं अपने भारत देश दी शान बनांगा। मेरिया अखां दे विच रहसन, रहसन मतलब रहंदे हन। मेरिया अखां दे विच रहसन, देस मेरे दे हद्दां बन्ने। हद्दां दा मतलब हुंदे सीमावां, बन्ने मतलब बाउंड्रीज। हद्दां बन्ने नूं तुसी कह सकदे हो कि साडे देश दीआं सीमावां, कि जिहड़ीआं इक देश दी हद नूं सरहद नूं तय करदी हैं। तकेगा ना मेरे हुंदिया कोई मेरे भारत वन्ने। तकेगा मतलब देखेगा, तो तां तुसी इस नूं भी नोट कर सकदे हो औखे शब्दां दे विच। तकना मतलब देखना कि मेरे हुंदिया कोई भी मेरे भारत देश दे वल, वन्ने दा अर्थ है वल, तां कोई भी मेरे हुंदिया मेरे भारत देश दे वल नहीं देख सकदा। मैं फौजी कप्तान बनांगा, मैं फौज दे विच भर्ती होके कप्तान। बच्चो एक फौज दे विच बहुत ही उच्ची पदवी हुंदी है जिसनू कप्तान जां फिर कैप्टन कह दिता जांदा है, कि तां बच्चा ओ कहंदा है कि मैं फौजी कप्तान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं अपने भारत देश दी शान बनांगा जिस करके मेरे देश नू मेरे उपर माण होवेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेनू कोई नहीं पराया, लगदा मेनू अपने वांगर हर एक भारत मां दा जाया। मैं भारत दी जिंद जान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। तां अगे कवि कहंदा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरह के तुसी इस तस्वीर दे विच देख सकदे हो इत्थे चार धर्मां दे लोक हन, हिंदू मुस्लिम सिख अते ईसाई। तां कवि कहंदा कि मैनू कोई भी पराया, पराया मतलब दूसरा बेगाना नहीं लगता। पराया दा की अर्थ हुंदा बेगाना।
लगदा मेनू अपनिया वांगर, मेनू हर कोई वांगर हुंदे अपनिया दी, वांगर दा अर्थ है तरह, ता हर कोई मेनू अपनिया दी तरह ही लगता है। हर एक भारत मां दा जाया, जाया मतलब बच्चा, हर एक जिहड़ा देश दा नागरिक है ओ भारत माता दा बच्चा है, उसकी संतान है। मैं भारत दी जिंद जान बनांगा, जिंद जान मतलब जीवन, मैं अपने भारत देश दी जिंद जान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। सौंप देगी जो कम मैनू, सौंप देना दे देना जां फिर जिम्मेवारी लगा देना। भारत माता योग बना के, योग हुंदा जो किसी काम नू करन दे काबल होवे, ता कवि कहंदा कि मेरे भारत माता मैनू काबल समझ के जो भी जिम्मेवारी मैनू देवेगी, जो भी काम मैनू देवेगी करन दे लई, ओही मेरा धर्म बनेगा, ता ओ जिहड़ा काम है ओ मेरी जिंदगी दा धर्म बन जाएगा। तोड़ चढ़ासा तन मन ला के, तोड़ चढ़ासा मतलब निभाउणा, अपने काम नू पूरा करना, अपना जिहड़ा वादा है उसनू पूरा करना। तन मन ला के, तन मतलब शरीर, मन अपनी आत्मा, ता मैं अपना पूरा तन मन लगा के उस काम नू सिरे चढ़ावांगा, पूरा करांगा। मैं चंगी संतान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। संतान मतलब बच्चा, मैं अपने भारत देश दी चंगी संतान, उसका चंगा बच्चा बनांगा। इको नूर है सबना अंदर, झूठिया ने सब चातां पातां। इको नूर है सबना अंदर, नूर का मतलब हुंदा है बच्चों लो, एक चानन, ता साडे सारिआं दे अंदर इको ही परमात्मा है जिहड़ा ओह वसदा है। झूठिया ने सब चातां पातां, ये जिहड़ियां जातां पातां हन कि कोई हिंदू जाति दा है जां कोई मुसलमान है, ये सब झूठ है। उड जाने ने मैनू तक के, तकना मतलब देखना, उड जाने मतलब खत्म हो जाने हन, ता मैनू देख के मतलब मैं ये सारियां जातां पातां जिहड़ियां ये सब झूठ हन, अते जदों मैं वड्डा हो जावांगा तां इन्हां सारियां जातां पातां दे बंधना नूं खत्म कर देवांगा। ऊच नीचता छूता छाता, ऊच नीच हुंदा कि किसी नूं कहा जांदा कि तेरा धर्म वड्डा है तू ऊंचा है, नीचता मतलब नीवा कि तेरा धर्म छोटा है तू नीवा है, छूता छाता मतलब छूत छात के जिहड़े पुराने समय तो ही जातां पातां दे जिहड़े बंधन हन उह बनाए हुए हन, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਹਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।